I'm
Thank you.
मिला है अभी आ रहे हैं, पर विनोद नाम के कोई हो जिनका मोबाइल गया था तो बताए, अभी मोबाइल आ रहा है। लॉस्ट एंड फाउंड वन मोबाइल नेम इज विनोद, इफ जय जय
आज भगवान श्री कृष्ण जबकि उम्र में 7 वर्ष के गोवर्धन की तलहटी में गोचारण करते करते यहाँ पर श्री नंद महाराज और सभी ब्रजवासी जन समस्त माताएं घर में दीपावली का महोत्सव मनाते हुए प्रतिवर्ष की भांति देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए सभी उपस्थित हुए और सारी तैयारियां होने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि
परजन्य अजामेर देवमीर आदि हुए हैं, उन सभी के समय से ही ये देवराज इंद्र की पूजा चलती है। वर्ष भर में एक दिन हम लोग दीपावली के दूसरे दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते। बोले क्यों? इंद्र की पूजा करने से वे पानी बरसाते और पानी बरसने से खेती बाड़ी होती है, फसल होता है, सभी को पानी मिलता है। बिना पानी के न तो कोई जी सकता, न पी सकता, न रह सकता है, न खेती बाड़ी, न कुछ। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते। तो उसमें कृष्ण ने पूछा, पिताजी जिस देश में जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती है, क्या वहां पानी नहीं बरसता है? क्या जहां पर समुद्र में कौन पूजा करने जाता है, वहां तो पृथ्वी से अधिक, जितना पृथ्वी पर पानी पड़ता है उससे कहीं अधिक, तीन बार पानी तो समुद्र में पड़ता है। समुद्र में पानी बरसता है, वहां तो कोई पूजा करने नहीं जाता है। इंद्र की पूजा करने से ही वे पानी बरसाएंगे। यदि ऐसी बात है तो जहां पूजा नहीं होती है वहां तो पानी बरसता है। तो पानी बरसने का कारण देवराज इंद्र का नहीं होता है। यदि इंद्र की पूजा करने से वे पानी बरसाए तो पुरखों से जो पूजा आज तक चलती आई, कभी देवराज इंद्र ने न तो दर्शन दिया न वरदान दिया। इसलिए हम उनकी पूजा क्यों करें? यदि कथा है तो हमें प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने गिरिराज पूजा में ही ये दिखाया, एक प्रत्यक्ष देवता और दूसरे परोक्ष देवता। परोक्ष देवता वो है जिनकी हम पूजा करते हैं, परंतु वे कभी आपके सामने आते नहीं, न दर्शन देते, न हमारे प्रति कोई अनुग्रह प्रकाश करते हैं। प्रत्यक्ष देवता जो हमारे सामने वो कौन है? वो है हमारे माता पिता, गुरुजन। तो हमारे प्रत्यक्ष देवता कौन है? माता पिता है। हमारे जो वृद्ध गुरुजन है, बाप दादे, वयोवृद्ध व्यक्ति है, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता। हमारे प्रत्यक्ष देवता जो हमारे सामने निर्जीव प्राणी के रूप में हमें पालन पोषण करने वाले कौन है? गाय। जिस गाय की आप जीवन भर दूध पिया करते हैं वो हमारी माँ। हम जन्म लेकर के माता का दूध पीते हैं 5 साल तक, इसके बाद जीवन भर हम गो माता का दूध पीते हैं। बिना बैल के जमीन जोता नहीं आता है। अगर बैल हमारे पिता है जो कि खेत का भूसा खा करके हमें 7 प्रकार से चावल गेहूं आदि देते हैं, और वही हम खाते हैं जो अधिक प्रोटीन वाला, वही हम खा रहे हैं और उनको तो भूसा देते हैं। वही खा करके हम सबका पालन कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, जो गाय भैंस हमारे माता पिता है उनको मात्र के खाना कौन सा धर्म कहता है? किसी धर्म शास्त्र में या किसी नीति शास्त्र में भी
ये बॉलर नहीं हो सकता है, जानता है। और बताया गया ऐसे माता पिता जो चार बहन उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। जो परमात्मा समस्त प्राणियों में विराजमान है हम उनका अनादर करते हैं, उनकी हम उनका हम सम्मान नहीं देते, उनकी पूजा नहीं करते, हम किसी परोक्ष देवता की पूजा नहीं करते। ठीक, आपने कहा है पानी बरसाने की, पानी पड़ने का कारण क्या होता है? पानी पड़ने का कारण होता है वृक्ष और पहाड़ पर्वत। जहां वृक्ष है वन प्रदेश है वहां अपने बादल खींच के आता है, पेड़ पौधे क्या करते बादल को खींचते हैं, इसलिए उससे पानी बरसता है। जहां पर्वत है पर्वतों से ये बादल टकरा कर वहां पानी बरसता है, बिना पर्वत के पानी नहीं बरस सकता। अतः ये पर्वत जो है पानी बरसाने का कारण होता है। जहां समुद्र भी बादल को खींचते हैं इसलिए वहां अधिक पानी बढ़ता है, पानी पानी को खींच देता है। इसकी ये सब कारण है जिन कारणों से पानी बरसता है। जैसे हमारे देश में वृक्ष नहीं हो, पेड़ पौधे बन जंगल नहीं हो, हरियाली नहीं हो तो सारा ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, तो गैस की गैस बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी नहीं बचेगा, सूखा पड़ेगा। पहाड़ पर्वत नहीं हो पानी नहीं बचेगा। और भगवान विष्णु क्योंकि अंतर्जामी परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है, परंतु हम उनका अनादर करते हैं, उनकी हम हिंसा करते हैं, और भी हम दूसरे दूसरे देवी देवता की पूजा में लगे हुए हैं, बोले कि हम कितने बड़े धार्मिक हैं, हम धर्मगुरु हैं, बड़े धार्मिक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म के धुरंधर, हम अपने को बड़ा धार्मिक मानते हैं, सिखा रहे उधर में हम प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं, जो परमात्मा प्राणियों के हृदय में अवस्थान कर रहे उन प्राणियों की हिंसा कर रहे। तो हमारे लिए कितना बड़ा अन्याय। तो इस प्रकार अन्याय करते हुए भगवान की जब पूजा करें तो ये हाथ तो भगवान के चरणों में फूल दे रहा है, दूसरा हाथ भगवान के गले में लगा दिया, बोले ए तुम कौन होता है? मैं जो कुछ है मैं। तो इस संसार में आज जितना भी आरंभ देखने को मिलता है, जितने लोग देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जितना ही आरंभ कर रहे हैं और धार्मिक बनने के लिए सिर कूट रहे हैं, बाकी ना तो कोई धार्मिक है, न कोई पूजा का आरोप है, न कुछ है। बोले वही चीज है भस्मणी जो होती सर, ये हवन तो करना चाहिए, अग्नि में आहुति देनी चाहिए, वो न दे करके क्या कर रहा है जो? बोले कि रात में घी डाल रहा है। अरे रात में घी डालने से आहुति हो जाएगी क्या? हवन नहीं होगा, सारा मेहनत कर रहा है, सारा परिश्रम कर रहा है, परंतु सारा बेकार जाना है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े कर्तव्यवीर, परंतु सभी कुछ बैठ जा रहा है जैसे बंदे बंधा गाय है, जिस गाय का बछड़ा नहीं है बाज है, बस गाय से जैसे दूध भी नहीं मिलता। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धार्मिक, पर किसी काम का नहीं है, केवल श्रम फल जीवन व्यक्त करे। इसलिए भगवान ने कहा कि गो ब्राह्मण वैष्णव साधु गुरुजन
माता पिता एक संता जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, जिनसे हमें हर घड़ी घड़ी हर पल आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगर उनकी हम पूजा अर्चना न करके दूसरों की जब देवी देवता की और इधर उधर की हम पूजा कर रहे हैं, वो पूजा पूजा नहीं हो रही है, केवल एक आरंभ मात्र दिखावा मात्र। इसलिए गिरिराज की पूजा में ही भगवान ने यह सिखाया, पहले हम प्रत्यक्ष देवता को सम्मान देना सीखे। जैसे बहुत से लोग होते हैं गुरु को अंगूठा दिखा करके जा रहे हैं, बोले हम कितने बड़े बुद्धिमान, हम कितने समझदार हैं, गुरु को भी अंगूठा दिखा रहे, गुरु की बात को भी नहीं मान रहे और भगवान की पूजा करने को जा रहे। क्या पूजा होगी क्या नहीं? वैष्णवों की बात नहीं मानेंगे, वैष्णवों का अनुरोध नहीं करेंगे, हम भगवान की पूजा करने जाएंगे, क्या पूजा होगी? भगवान कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते, अनाही करते। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होता है और 30-40 वर्ष 50 वर्ष रह करके भी बुद्धि ना और भागते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम गुरु वैष्णव का अनुरोध नहीं करते? दिखावे को जो कुछ हम करते दिखावे को वास्तविक रूप से अंदर से हम नहीं पाते, अंदर कर रहे, यही परिणाम होता है। इसलिए देखिए भगवान ने कहा कि हमें पहले इनका सम्मान, गुरुजनों का आदर, पहले हमारे प्रत्यक्ष देवता गुरुदेव हैं, जिनको हमने आंखों से देखा, जिनको हमारे सामने मिला और जिनको हम सेवा करने को सौभाग्य लाभ किए। भगवान हमारी हमारे हाथ का खा रहे हैं या नहीं खा रहे हमें पता है, वे हमसे न बोलते हैं न कहते, परंतु गुरुदेव तो हमसे बात करते हैं, बोल रहे, देख रहे, सुन रहे, कह रहे, वो हमारे प्रत्यक्ष देवता है। पहले उनके प्रति पूजा हो, उनका आदर हो, उनका सम्मान हो, गुरु का, वैष्णवों का, भगवान का, ब्राह्मण का, गाय का, वृक्षों का, ये सबका सम्मान। भाई बच्ची में वही बात नहीं है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वृक्ष लता पहाड़ पर्वत नाथ नदी समुद्र मनुष्य प्राणी सभी में मैं विराजमान हूँ, सभी को प्रणाम अनंत अनंत भाव से सभी को प्रणाम करें, नमन करें, मैं सबके अंदर विराजमान। इस बात को तो देखें, जब ये नहीं है, जिनका भी जो कुछ करें संसार में धर्मों के नाम पर, भागवत कहे कहा परिपूर्ण छे सब सब धर्म कवर धर्मी हो जाए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जो कहा है, उद्धव कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया, शुद्ध भक्ति कर रहा है, परंतु इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, शुद्ध भक्त विनाश है, शुद्ध भक्ति भी विनाश हो जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। शुद्ध भक्ति करते हुए यह देते हुए भगवान ने कहा हमें हमें बड़ों का आदर करना है, जो कुछ पूजा सामग्री है इन्हीं से हम आज सबकी पूजा करेंगे। गुरु वैष्णव ब्राह्मण सज्जन माता पिता गौ माता गाय और वृक्षों का पहाड़ पर्वत का भी सम्मान, पहाड़ बिंदु जीव देखिए पहाड़ के अंदर चेतना है और समस्त पहाड़ों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, गिरिराज जी ने, गिरिराज को वर्ण जो आपने श्रवण किया है, द्रोण पर्वत का पुत्र होकर के गिरिराज जी प्रकट किए हैं, ये कोई साधारण तो नहीं है। भगवान कृष्ण ने जब की राधा जी से कहा बोलो वृंदावन में राधे मैं धरती पर चल जा रहा हूं,
अब तुम भी मेरे साथ चलो। राधा जी बोली हाँ, कैसे जाओ? जहाँ वृंदावन धाम नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ जमुना नदी नहीं, जहाँ वरुण शोभा नहीं, ऐसी जगह मैं कहाँ जाऊंगी? कृष्ण बोले नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सबको आदेश प्रदान करता हूँ। गिरिराज गोवर्धन, यमुना जी, वृंदावन धाम, ये सभी कुल धराधाम में प्रकट होंगे और हमसे पहले जाके सारी तैयारी हमारी कुमारी की गायब होंगी। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, जबकि गिरिराज जी स्वयं द्रोण पर्वत का पुत्र होकर के जन्म लिया, और ये गिरिराज जी कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका प्रथम प्रमाण तो दिखाया गया साठ जोयत या साठ मील लंबी, 40 मील चौड़ी लिखा गया श्रीमद् भागवत में, जो कि 60 मील लंबी है और 40 मील की चौड़ाई है, 16 मील की ऊंचाई है। एक गिरिराज गोवर्धन द्रोण पर्वत के पुत्र होकर के ये गोवर्धन पर्वत के नाम से ही मिला। अभी वैष्णवों से आप लोगों ने सुना है, उन्होंने बताया कि पुलस्तर ऋषि तपस्या करते थे काशी में, पृथ्वी के सर्वत्र भ्रमण करते हुए द्रोण पर्वत पर जब पहुंचे, उन्होंने उनका खातिरदारी की बड़ा आदर सम्मान किया। अतिथि सत्कार आदि होने पर बड़े खुश हुए, उन्हीं ने द्रोण पर्वत से कहा, मेरी एक इच्छा विलासा है, क्या मैं आपसे कहूँ आप मेरी इच्छा पूर्ण कर पाएंगे? उन्होंने कहा, महाराज आप जो कुछ चाहेंगे हम प्रयास करेंगे, जहां तक संभव हो आप तो बताएं आपकी मन की अभिलाषा क्या है। तब उन्होंने कहा, देखो मैं जहां तपस्या करता हूँ वहां गंगा जी के किनारे काशी धाम में परम पवित्र मुक्ति धाम है, और उस धाम में मैं रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, परंतु गंगा की बड़ी सुंदरी सुंदर शोभा है, वहां कोई पर्वत नहीं है। तो ये गिरिराज गोवर्धन एक छोटा सा पर्वत जो दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं ले जाना चाहता हूँ, जो कि ये पर्वत वहां पहुंच जाए, गंगा की बड़ी शोभा होगी गंगा के किनारे, और उसी की तलहटी में नहीं पेड़ के नीचे बैठकर मैं भी तपस्या कर लूंगा, ये मेरी मन की इच्छा हो जाता है। द्रोण पर्वत बोले कि महाराज आपकी अभिलाषा तो बड़ी सुंदर अभिलाषा है, और ये भी परम पवित्र स्थान काशी धाम भारत भूमि, तो ये परम पवित्र स्थान जहां ऐसे स्थान में कोई जाएगा उसका जीवन भी तो धन्य हो जाएगा, अच्छी प्रस्तावना तो है, परंतु मैं अपना पुत्र गोवर्धन को कैसे बनाऊं ये तो मेरे समझ में नहीं, आप चलिए आप बताएंगे, और मैं भी उसे कहूंगा कि वो मान ले, और ये तो हम सबके लिए भाग्य होगा भारत भूमि में काशी धाम में जाना। पुलस्तर ऋषि आकर के द्रोण पर्वत के साथ में आए, आकर के गोवर्धन से गिरिराज से कहा, द्रोण पर्वत ने भी अपने पुत्र गोवर्धन से भी कहा, पिता की बात और गुरु की बात लाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी उन्होंने एक चतुराई की, चतुराई से कहा कि मैं तो इतना बड़ा विशाल हूँ, इतना वजनदार हूँ, आप मुझको कैसे ले जाएंगे? हाँ कोई ले जाए तब तो जाएंगे, परंतु हमें कैसे ले जाएंगे? पुलस्तर मुनि बोले की कोई चिंता हुई बात नहीं, मैं ही ले जाऊंगा उठा के, आप तो अतली पर लेकर के आकाश मार्ग में जाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई प्राणियों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, आप कोई घबराए नहीं, चिंता नहीं। तब गिरिराज गोवर्धन ने कहा, ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, पर कोई ये स्वर्ण पर शब्द हुआ है कि मुझको जब ले जाएंगे, जहां आप जमीन में टिका देंगे रख देंगे वहीं पर मैं रह जाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं जीऊंगा, न टूंगा न जाऊंगा।
मैं आपको काशी धाम का ही ले चलूंगा। अच्छा तो बड़ी प्रसन्नता की बात रही, राजी खुशी हो गई, दोनों पक्ष भी लिए। अब कोई बात नहीं है, पुलस्तर इसी उधर छापी करके तैयार हो गए। अब तो जाने की तैयारी करनी है, सारी तैयारी करके आओ जल्दी। गिरिराज गोवर्धन के पास में जा करके अटली से उठा ली, हाथ से जैसे छत्र को उठा रहे इसी तरह से पर्वत को अटली पर उठा लिया और उठा करके आकाश मार्ग में उड़ने लगे। बड़े धीमी गति से आकाश की ओर चढ़ने लगे। भाई सभी देख करके बोले, भाई ऋषि का तो अद्भुत तेज है, अद्भुत प्रभाव, इतने बड़े विशाल गिरिराज जी को उठा दिया। 4 मील लंबी, 40 मील चौड़ी, 16 मील की ऊंचाई, इतने बड़े गिरिराज जी को उठा करके ले जाते। ऋषि ने भी दिखाया, देखो मेरा कबोवाल कितना है, देखो मैं ले जा सकता हूँ या नहीं। उठा करके आकाश मार्ग में जाने लगे। अभी लोग हाथ जोड़कर साधु को नमन किया, बोले भाई साधु तो साधु है, चले। अब चलते चलते जाओ आकाश मार्ग में, इस ब्रजभूमि के ऊपर से जा रहे हैं। तब गिरिराज जी को कृष्ण की ब्रज लीला की सारी स्मृति आ गई। उस समय बोले, अरे इस ब्रजभूमि को छोड़ करके कैसे जाऊं, ये तो संभव नहीं। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन अब देखते ही देखते भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना भजन बढ़ा दिया कि पुलस्त ऋषि का पसीना छूटने लगा, शरीर हिलने डुलने कांपने लग गया। अब रह नहीं सकते, कैसे भी उतारना पड़ेगा। तब धरती में नीचे उतर आए, आकर के गिरिराज जी को रख दी। रख करके फिर पसीना सुखाने के लिए थोड़ा बाहर की तरफ घूमने फिरने लगे, हवा लेने लगे। इसके बाद में बाहर गए, फिर बाहर जा करके शौच क्रिया आदि करके फिर स्नान आदि किया। कहने के पश्चात संध्या मंत्र आखिरी मंत्र इत्यादि किया। मंत्र जब कहने के पश्चात ठीक ताकतवर बन करके आ गए गिरिराज जी को उठाने के लिए। हिला भी नहीं सके, बहुत प्रयास करके भी, माता को लेकर के भी, जब हिला नहीं पाए उस समय गिरिराज जी विषय का बोले, ये गिरिराज गोवर्धन क्यों नहीं तुम उठ रहे हो, क्या बात चल नहीं गए, इतने इतना भी उत्तर आ गया, अब क्यों नहीं उठ। गिरिराज जी बोले, आपने जो शर्त किया, आपने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या आप भूल गए हैं। क्या हो गया, क्या आपने नहीं कहा कि आप उनको जहां रख देंगे मैं वहीं रह जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं, आपने तो कहा। आप अपनी बंदी का तो पूरी करें, बोले अरे मैं थक गया, पसीने से तर हो गया, मुझे बाहर जाना था इसलिए, पर तो मुझे तो काशी धाम नहीं जाना है, काशी धाम से पहले तुम यहाँ कैसे रह जाओगे, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं किसी भी हालत से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार खींचा था बोले होने लग गया, जो कि किसी भी हालत से नहीं हिले न डुले और नहीं गए। तब प्लस ऋषि बोले, अच्छा तू नहीं जाएगा, बोले नहीं जाऊंगा, तीर तीर प्रतिवर्ष जमीन में धसता चला जाता। इस तरह से अभिशाप देकर बिगड़ कर वहां से नहीं निकल गए। तो गिरिराज जी ने उसे मंजूर कर लिया, बोले यह बार आशीर् अभिशाप मुझे मंजूर है, पर ब्रजभूमि छोड़कर मैं नहीं जाना। इस प्रकार गिरिराज जी पुलस्त ऋषि के अभिशाप के कारण वे तीन तीन धसते हुए जमीन के अंदर जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से हम लोग उस 8 मील की गिरिराज को, जो 16 मील ऊंचाई की गिरिराज जी को देख नहीं पा सकते। इस प्रकार काल क्रम से कितने लंबे समय तक धसते धसते जमीन में चले जा रहे हैं गिरिराज। गर्ग संहिता में वर्णन है, श्री नारद जी कहते हैं कि ये महाराज जब तक संसार में गिरिराज जी और गंगा जी दोनों दिखाई देंगे तब तक कली का वहां प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब ये अदृश्य हो जाएंगे तब घोर कली आ जाएगा, भयंकर कली। तो इसलिए गिरिराज जी का प्रभाव में
जिनके कारण गिरिराज तो काफी नीचे चले जा रहे थे। तो उस समय जबकि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का धर्म शूर कहने के लिए गिरिराज जी को उन्होंने उठाया और उसमें श्री गोस्वामी पास कहते हैं गिरिराज जी तो पढ़ाई करके बह गए इधर मानसी गंगा से थोड़ा आगे रत्न सुंदर रत्न वेदी तक वहां से लेकर के और कुछ ही का घोड़ा था कि इतने गिरिराज जी को उठाया उन्होंने कोई बात नहीं कि इतने गिरिराज जी को ऊपर उठा करके ब्रजवासियों की सुरक्षा की। इन्हीं कारणों से आज हम लोग देख रहे हैं ये गिरिराज जी को जबकि सात दिन तक ऊपर उठा करके भी जेल के जेल भेज से रख दिया। श्री जीव गोस्वामी पाद का वैष्णव दर्शन में भी विचार कि वैष्णव दर्शन में ये कहा जा रहा है कि इतना गिरिराज जी ने उठा करके भगवान ने धर दिया और दिखाया और ब्रजवासियों की सुरक्षा की। इन्हीं कारणों से ये गिरिराज दिख रहे नहीं तो और कितना नीचे चला जाता तो भी जैसे भी हो श्री गिरिराज जी आज भी विराजमान है तो भगवान कृष्ण ने संत बाबा से कहा पिताजी आज गिरिराज जी की पूजा हो इन्हीं संभालों से जबकि भगवान ने कहा तो कृष्ण की बातों को ब्रजवासियों ने मान लिया। देवराज इंद्र भले पिघले चाहे कुछ भी गड़बड़ी हो जाए कुछ भी करे कृष्ण की बात तो हमें मान ली। कृष्ण ने बचपन से ही हम सब की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं। अब यदि कोई गड़बड़ी होगी वही हमें बचाएंगे रक्षा करेंगे इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। नारायण स्वभाव गुड़े ही और कोई बात नहीं है गुरु में नारायण के समान है अब वे हम सब की रक्षा कर लेंगे और तो चिंता की बात नहीं है। चलो हम आज गिरिराज जी की पूजा करें तो उस गिरिराज जी की पूजा में सारी तैयारी होने लगी। ब्राह्मण लोग सभी आए देवता भी आ गए और इंद्र को छोड़ करके और लोग आए देवता यहाँ तक कि उस यज्ञ में देवराज जी के स्वयं देवादी ने महादेव भी आए सभी लोग आए और इतना संभाल में गिरिराज जी की पूजा हो रही है इसकी कोई ठिकाना नहीं। जो कि सभी ब्राह्मण लोग पुरुषोक्त मंत्र पाठ करने लगे और उस मंत्र के द्वारा गिरिराज जी का अभिषेक हुआ विशाल रूप से अभिषेक और दुर्दैयों की पाठ लगा दी पार बढ़ा दी जिससे कि गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक हुआ। इसके पश्चात जितना भोजन सामग्री भोग प्रसाद बनाया गया सारा ला करके सब सजा दिया सजा करके आप भोग लगाने लगे जहाँ गिरिराज जी स्वयं दूसरे स्वरूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गिरिराज जी पर स्वयं बैठ गए विशाल मूर्ति में और हाथ बढ़ा करके वे स्वयं भोजन करने लगे। सभी के देखते देखते भोजन करने लगे और क्या बोले बोले कि हर लाओ हर लाओ आना रे आना रे और क्या लिया भैया लिया सब कुछ खा तो ये देख करके भगवान कृष्ण ने नंद बाबा आदि ब्रजवासियों से कहा बेटा जी देखिए आज इतने बड़े खुशी की बात है कि आज स्वयं गिरिराज जी हमारे सामने प्रकट हो गए। इंद्र ने ना तो कभी दर्शन दिया ना कभी खाया पिया ना कुछ किया परंतु आज साक्षात रूप में गिरिराज जी प्रकट हो गए देखिए नारायण स्वरूप में और प्रकट होकर के भी क्या कर रहे हैं चतुर्भुज मूर्ति में भोजन कर रहे हैं बोल रहे हैं कि आनो रे और लाओ और लाओ ब्रजवासियों के पास जो कुछ भी बना हुआ था ध्यान तो भोग लगा दिया अब तो है नहीं बोले कि प्रभु आप इससे आज संतुष्ट हो जाए फिर से भोग लगा के फिर खिलाएंगे आज वो दो करके बैठ गए बोले कि आ जाओ सभी लोग आओ जिनको जो कुछ भी इच्छा हो बर मांगो। तो सिस्टर बोले देखिए गिरिराज जी बल देना चाहते हैं सभी लोग आज सभी लोग हाथ जोड़े प्रणाम करें और बल मांगिए जिनको जो कुछ चाहिए बल मांगते रहे।
सभी ब्रजवासी देख करके बड़े प्रसन्न था। केवल एक बार नहीं, एक दो लाख 20-50 सैकड़ों जो जितने मन की इच्छा में आता है सभी अपना अपना कहने लगते, और जितने फल मांगने की इच्छा मिलाता है सबका मूल स्रोत क्या है? जो कुछ भी है ब्रजवासियों का हर क्या है कृष्ण के लिए ही तो है, और किसके लिए? कृष्ण की खुशहाली, उनका प्रतिविधा, उनका आनंद वर्धन उन्हीं के लिए, वे वर मांगते हैं, उनका वर मांगना अपने स्वरूप के लिए, अपना स्वार्थ अपने मतलब के लिए। ऐसे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी से वर मांगा, जो कि इससे गिरिराज जी सर्वाभीष्ट प्रदाता है, समस्त अभीष्ट को प्रदान करने वाले, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे गिरिराज महाराज, जो कि सबको वरदान दिया, सभी को आशीर्वाद दिए, और इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए उन्होंने देखते ही देखते भीड़ ने क्या किया, सभी प्रसाद परिपूर्ण जैसे भगवान कृष्ण ने कहा सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और हम सभी लोग गिरिराज की परिक्रमा में चले। इस प्रकार सभी ब्रजवासी जन वहां प्रसाद ग्रहण करते हुए गिरिराज की परिक्रमा में चले। इस प्रकार जो गिरिराज की कथा है आज, विशेषकर गिरिराज की जो पूजा अर्चना अभिषेक है, अभी सारी तैयारियां चल रही है, आप सभी लोग विलंब न करके वहां पर प्रस्तुत हो जाए, और सभी लोग जो जो कुछ बनाना आता है, जिनको जो कुछ इच्छा होती है सभी कुछ बनाए, मिठाई खाओ, फ्रूट इत्यादि सजाए, और जो सजावट के लिए सारी सामान रखे हुए हैं तैयारियां चल रही है, और सभी लोग लग जाए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अभी अभी गोपूजा होगी और गाय की पूजा करते हुए हम सभी लोग उदास हो जाएंगे। आप सभी लोग लगिए, क्यों लग जाए अभी अभी को पुजारी सुनो भाई, पुजारी को बोलो आरती के थाल ले आए, मध्य प्रदेश में महाराज जी की आरती करेंगे, अभी यहाँ टीवी पर दर्शन होगा 10 मिनट बाद, अभी थाली ले आओ पूजा करें, और अभी महाराज आप हाँ।